ओ माता चाह ठंडी होगी पी ले हुण। की होया तेनू? मैनू? हाँ मैनू की होना है? ओ 7 बज गए, चल दी मैं भी। ओ तू तो चाह भी नहीं पीती, की होया? हुण तो मेरी नौकरी भी लग गई है, हुण कदों फिक्र है तेनू? तेरे वालों तो मैनू कोई फिक्र नहीं, बस तेरे ब्याह दा फिक्र ही आ। ब्याह निभना भी ते चाहिदा। ओ की गल होगी माता, किदा ब्याह टुटदा वेख लिया तू? ब्याह टुटदे थोड़ा देखदे आ, ए ते अंदर वड़िया ही पता चलदा। अंदर वड़िया पता चलदा है? ओ किदे अंदर वड़ के वेख लिया तू, की गल होगी? ओ अरमान सर साहब ते देसो मैडम ना। हाँ की होया उन्हां नूं? होया तां मैनू पता नहीं है की है, पर जो भी होया ओ सही नहीं होगा। अरमान साहब देसो मैडम नूं छड़ना चाहुंदे ने, पर ओ बेचारी किन्नी चंगी है, केहो जी जनानी नूं कोई घरों कढ़न दी सोच भी नहीं सकता। ओ बेचारी उन्हां दे घर दा काम, बच्चा ते आए गए दी देखरेख इतनी चंगे तरीके नाल करदी है ना, करे की चाहिदा है अरमान साहब नूं? ओ अपनी वाइफ नूं घरों कढ़ रहे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ते नाले सॉरी वी, एक्चुअली कल मैं घरों छेती निकल गया सी, कोई काम पै गया सी, जनाब नु घरों पिक नहीं कर पाया, ओदे लई सो सॉरी मैम। ओहो तुहाडी कड़े ड्यूटी है? क्या बात है, नाइस लॉकेट। हां थैंक यू। नमा ले। किसे फैन ने गिफ्ट किया होना? फैंस? ओ वैसे कौन ने है फैंस? आउट। एक मिनट मैम। मेरे बाल ना खराब हो जाते हैं ना? कुछ नहीं होगा। हेलो। हाँ मक्खन, मैं पूछना सी सिंपल सिंपल जी गल सी, ऑफिस काम सही चल रहा ना? हाँ जी सर जी, सारा कामकार वधिया चल रहा जी, सारे अपनी अपनी जगह पे बैठे कामकार कर रहे ने जी। ऐदा करो मेरी सिंपल ना गल कराओ। मैनू नहीं लगदा जी वो गल कर सकदे ने, वो तो अपने कम्मा कारा च उलझे हुए ने जी। जे तुसीं कहने हो तो करवावां गल जी। नहीं रहन दिओ मक्खन वी, ना एवें बकवास करता रहिंदा, पर की पता सिंपल मेरे मगर वो सच्ची किसने उलझी होवे। दोबारा कॉल करना, पर नहीं फोन करूंगा तो पंगा पैना। ऐ करदा आपे ऑफिस चलदा ते जाके देखदा सिंपल दा चलदा की पिया। SS इहदा मतलब समझदे हो तुसी? SS for सिंपल शर्मा, होर की? हो सकदा है किसे दीवाने फैन ने सुनेहा भेजा होना। फिर उस फैन नु ना गिफ्ट दे नाल चिट्ठी पा देनी चाहिदी सी। SS विच हो सकदा है कोई सुनेहा, होर की? S for सिंपल ते दूजे S तो मिस शर्मा, ओंकार सर ने फाइल मंगी है एड कॉलिंग्स वाली। हां लेके आई। एक्सक्यूज मी, ऐडा महंगा गिफ्ट मिलन तो बाद भी फैन ही गिन दिया मैडम। देशो नू कह देना मैं दफ्तर चलिया। पर जे आवाज मारी तां सारे नू सुन जानी। देशो नू कहना पापा जी ना गल ना करे, पर वो गल क्यों छुपाऊगी? पर दफ्तर तो जाना ही पाऊगा, कोई बहाना यहो जहा मारना पैना जिहड़ा कोई ना ना कर पावे।
सेहत किद्दां हुण? ठीक है हुण। चा रख दे। कल रात मैं ना बेड दी चादर बदल देनी आ, फिर मैं बाजार भी जाना सब्जी लैन, तुसी थोड़ी देर लेट जायो। ओ पापा जी और ये सुते पे ने? ओ ता गुरुद्वारा साहब गए ने। पण की गल? की कुछ नहीं, कितना टाइम हो गया? हुणे गए ने, थोड़ी देर हुई है बस। चल चंगा, मैं दफ्तर चलता हूँ। आराम कर लेंदे, आज दा दिन कुछ नहीं हुंदा दफ्तर नू। मैं ठीक हाँ बिल्कुल, दफ्तर काम है मेनू। होर जने छुट्टी नहीं लेंदे दफ्तर तो? ओ मैं क्रिएटिव हेड हाँ। ओ नहीं मन्या, तुसी क्रिएटिव हेड हो, क्रिएटिव हेड छुट्टी नहीं ले सकदा। तू बस कर, तेरे कख नहीं बल्ले पैना। मैं ते रहन दिन्नी आ, पर तुसी अज आराम कर लेंदे, मम्मी जी पापा जी ने एवें गुस्से हो जाना फिर। ओ कुछ नहीं कहंदे हो, नाले मैं जल्दी वापस आना वा। मेरी किथे मन्नी है तुसी, तुहाडी मर्जी है, पर आराम कर लो तो चंगा रहूगा। तू रहन दे। अब तुसी दफ्तर च की खाओगे? तुहाडे वास्ते कुछ बना दवा छेती छेती, खिचड़ी बना दिन्नी आ। ओ रहन दे, मैं कंटीन च खा लूंगा। तुहानू ना दफ्तर जाके कुछ नहीं पता लगदा, तबीयत भी खराब है, मैं कुछ बना दिन्नी आ। अरमान तुहाडा टिफिन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाय सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जाओ जाके बैठो। ओके सर। सिंपल, 5 मिनट मेरे कैबिन जाओ। Come in, baby. आया मेरी खंड, तेनू पता है मैनू किन्ना फिकर है तेरा? मैनू पता है मेरी खंड दा मूड ठीक नहीं सी। हाँ मूड तो मेरा बहुत खराब सी, पर फिर थोड़ा गिफ्ट मिलिया। केड़ा गिफ्ट बेबी? अच्छा जी, तुहानू नहीं पता? आप पे गिफ्ट दे के आप अनजान बंदे हो। मैनू सच्ची नहीं पता जानू। पर तुहानू पता है सिंपल शर्मा दा मूड किवें ठीक करना है। बेबी की कह रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओहो हुण बस भी करो, मैनू पता है गिफ्ट पावे पाए नेम नहीं सी, पर भेजिया ते तुसी है ना। सच्ची दसा, उस दिन मैनू बहुत गुस्सा आया सी, मेरा बड़ा मूड खराब सी, पर फिर आ गिफ्ट देख के ना मेरा मूड ठीक हो गया। एस एस सिंपल शर्मा, सो अमेजिंग, इट्स रियली गुड। पर एस एस क्यों? एस ए ज्यादा सूट करना सी ना, सिंपल एंड अरमान। पर एक गल ना, तुसी भाई नेम क्यों नहीं भेजा? थानू की लगा सी कि तुसी गिफ्ट भाई नेम नहीं भेजोगे तो मेनू पता नहीं लगूगा भला। बीबी पता क्यों नहीं लगूगा, हुण इहो जिहे गिफ्ट होर कौन भेज सकदा तैनू? मैं ही भेजिया होना ना। पर ना डार्लिंग, उस दिन मैनू चंगा नहीं सी लगा, पर प्रॉमिस करो अगे तो तां नहीं इदां करोगे ना, वरना होर महंगा गिफ्ट देना पौगा अपनी खंड नू। मैं ना जा रही हां, बाय बाय। Thank you.
ਤੇ ਦੂਜਾ ਐਸੇ ਪਤੰਦਰ ਸ਼ਿਵਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸ ਫੋਰ ਸਿੰਪਲ ਐਸ ਫੋਰ ਸ਼ਿਵਮ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਦੇਸ਼ੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬੈਠ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਉਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਮਿਸਟਰ ਅਰੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਉਦਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਲਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ੋ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜੇ ਦੇਸ਼ੋ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਊ ਸਿਰਫ ਬੋਲੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ ਦੇਸ਼ੋ ਦੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਇਸ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ੋ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਕਹੀਓ ਸਾਗ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਸੀ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਰੇਨੂ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਅੰਜਲੀ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਡੱਬਾ ਦੇਣ ਆਈ ਸੀ ਦੇਸ਼ੋ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਸਭ ਸੁਣ ਲਿਆ ਡੱਬਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡੱਬਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪਾਪ
पाजी मैं उस कुड़ी नूं बहुत प्यार करदा। वाह बड़ा अनोखा ही प्यार है तेरा। ये इन्ना ही उन्हें प्यार करता है तो फिर उन्हें घरों बाहर कढ़न का मतलब की कह रही सी कुड़ी? पापा जी कुछ नहीं कह रही सी, उदे ही गल करती भी सी। अरमान मैं तेनों कुछ पूछ रहा हूं। पापा जी चुप कर, तू रहन दे, मैनू सब पता है कि तुहाडे दोनों दे विच कोई ना कोई गल तो जरूर है। शक तो मैनू उस दिन हो गया सी जिस दिन असी घर आए सी। देशो उस दिन बाजार नहीं गई सी, तू जरूर उन्हूं कोई ना कोई गल कही होनी है। इदां दी भी की गल है कि तू देशो नूं घर तो बाहर कढ़न नूं फिरदा है? नहीं पापा जी इदां दी कोई गल नहीं है। तो फिर किहो जी गल है? तू इहदा इन्ना करदी है, सारा घर तू कल्ली ने संभालिया होया ते फिर भी इहनूं तेरे तो शिकायत है? तू दस इन्ने तक कदे अपनी गलती मननी ना होई। सानू लोका तो पता लगता है कि साढ़े नूह पुत दे रिश्ते दे विच कोई ना कोई समस्या है। वाह कमाल होगी, चल चल तू दस सानू भी तो पता लगे कि साढ़े नूह पुत दे रिश्ते दे विच समस्या की है। आखिर साडा पुत साडी नूं नूं करो कढ़न नूं क्यों फिरदा है? देशो पुत तू सानू तां दस ही सकनी है ना की गल है, किहड़े तीवी आदमी विच लड़ाई नहीं होंदी, दस मैनूं। कोई बोलेगा कुछ? रहण दो, तुसी दोनों जने कुछ ना बोलो। ते एक गल कन खोल के सुन लै काका, ताड़ा दोनों का विआह किया सी ते ए विआह तेनू सारी उम्र निभाउणा पैना है। ते हां एक गल होर, जदों तक तुहाडी दोनों की समस्या का हल नहीं हो जाता ना, असी इत्थों किते नहीं जाण वाले। समझ गया ना? पापा जी रोटी तो खा जाओ। अरमान अरोड़ा कुछ ना कुछ तो करना पाऊगा, जिंदगी जंजाल बन गई है गले का। उत्थे ऑफिस च सिंपल दा स्यापा ते घरे देशो दा, हुण तां देशो दे नाल डैडी जी हुणी भी आ गए ने। कुछ ना कुछ तो करना पाऊगा, नहीं तो तेरा भी उही हाल होऊ जिहड़ा धोबी दे कुत्ते दा हुंदा, ना करदा ना काटदा। जदों मैं तैनूं घरों बाहर कढ़िया सी तू किन्ना किन्ना गल कीती सी? मैं किन्नू दसना? मैं किसे नूं नहीं दस्या। झूठ ना बोल, किसे नाल ते गल कीती होनी है? नहीं जी मैनूं सौं लगे, मैनूं पूरब दे सौं लगे, मैं किसे नूं नहीं दस्या।
उस दिन जब मम्मी जी पापा जी आए सी मैं तो उन्होंने भी यही कहा सी कि मैं बाजार गई हाँ भावे मैं सी गिन्नी दे घर। एक मिनट गुनीत नाल ते गल कीती होनी है ना। मेरे को जिदी मर्जी सौ खवा लो मैं गिन्नी नू भी नहीं दस्या। बस कर मेरे सामने सौ सुना का नाले पापा जी होरी जिन्ना मर्जी सोच लैन कि वह इत्थे रह के सारा कुछ सही कर लेंगे पर इत्थे कुछ सही होने वाला नहीं है। अज नहीं तो कल तेनू इस घरों बाहर जाना ही पैना। गलती कर दी सब कुछ खराब कर दिता कि इन्ने साल तक साडे विच कोई प्यार नहीं सी। अजे दो दिन पहला तक मेनू आई लव यू कहते फिरते सी कहते सी तू किते नहीं जाना उनकी हो गया